मैक्सिमम पावर थ्योरम एनसीईआरटी का प्रूफ आएगा नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत यूज होगी। क्या कि अगर मान लो सेम ई है, बैटरी है और कैपिटल आर है, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में इसमें करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, और ये आउटपुट में पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह क्या पुट करेंगे, ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये क्या आ गई, पावर की वैल्यू आ गई। तो ऐसे डायग्राम में, अगर ये डायग्राम है तो पावर क्या होती है, ये पावर है। लिख लेना प्लीज, ये डायग्राम बना के, पावर का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्या ही है, बस ये मैंने याद नहीं किया हुआ, आई स्क्वायर आर लिखना और आई की जगह ये लिख लेना, ताकि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये पावर की वैल्यू आ गई, राइट? ठीक है, तो ये पावर की वैल्यू आ गई। अब पावर अगर मैक्सिमम करनी है, अगर पावर मैक्सिमम है तो क्या होगा, इसमें इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम मिनिमा का रिजल्ट होता है मैथ्स में। तो अगर पावर को डिफरेंशिएट करें, करना नहीं है, कोई याद भी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना आपने, तो आंसर आएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर पावर मैक्सिमम है तो कैपिटल आर किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये रिजल्ट लिखें, तो मैक्सिमम पावर कब होगी, जब एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, कहेगा मैक्सिमम पावर निकालो। देखो जो पावर निकली थी वो ये निकली थी, मैक्सिमम पावर के लिए इस पावर के फॉर्मूले में या तो हर जगह कैपिटल आर पुट कर दो या हर जगह स्मॉल आर पुट कर दो। तो ये जब कैपिटल आर पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला, स्मॉल आर पुट करेंगे ये फॉर्मूला। तो मैक्सिमम पावर का ये फॉर्मूला भी नोट कर लें, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम पावर। क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव एनसीईआरटी में नहीं आएगा। शो दैट एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी व्हेन डिलीवरिंग पावर इज 50%।